दोस्तों आज बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा, झटपट बनने वाला गर्मा गर्म नया नाश्ता। एक बार इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे, समोसे कचौड़ी सभी फीके लगेंगे और इसे बनाकर जिसे भी देंगे वो खाकर तारीफ करेंगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों को लंच में देना हो या फिर मेहमान को देना हो, इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए इस टेस्टी कुरकुरा नाश्ता को बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों इस टेस्टी कुरकुरा नाश्ता को बनाने के लिए लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1 प्लेट में डाल लेंगे। और इस नाश्ते को टेस्टी कुरकुरा बनाने के लिए 1/2 कप डालेंगे चावल का आटा या फिर सूजी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, जिससे एकदम टेस्ट बढ़ जाएगा। 1/2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, तो नमक इसमें आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मोइन के लिए डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच तक रिफाइंड तेल। तेल जब भी डालें थोड़ा सा गर्म करके डालें, इससे नाश्ता जो है एकदम खास्ता बनेंगे। तो यहाँ पर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड ही डो तैयार करेंगे ताकि ये नाश्ता कुरकुरा बने। तो यहाँ पर डो को तैयार कर लिए हैं, अब आटे को गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं, तब तक इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तक तेल। तो यहाँ पर सरसों का तेल डाले हैं और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। 2 से 3 पीस बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। थोड़ा सा इसे चला लेंगे, इसे आप हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर बना सकते हैं। 2 से 3 चम्मच डालेंगे मूंगफली। मूंगफली डालने से ये जो स्टफिंग बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी, खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गोलकी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा सा कलर आएगा। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। मसालों को धीमी आंच में भूनेंगे। अब यहाँ पर 2 पीस उबले हुए आलू लेंगे और आलू को हाथों में लेकर इस तरह से चूर कर इसे डालेंगे। तो ये बना रहे हैं आलू मसाला, जो बहुत ही चटपटा लगेगा और झटपट बनते हैं। और इसे चलाते हुए इसे भूनने हैं और इसे थोड़ा थोड़ा चूर भी कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू की स्टफिंग तैयार है, तो गैस को कर देंगे बंद। यहाँ पर डो भी तैयार है, डो को हाथों में लेकर इसकी 2 लोई बना लेंगे, बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेंगे। और 1 लोई को हाथों में लेकर इसे इस तरह से गोल कर लेंगे और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। अब इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर लिए हैं 1 चॉपर बोर्ड, उस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसे फैला लेंगे ताकि जब इसे बेलें तो ये चिपके ना। और अब इस लोई को इसके ऊपर रख कर बेलन से बेल लेने हैं और एक बड़ी रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर सूखा आटा लगा लगा कर इसे बेल लेने हैं ताकि ये चिपके ना, और एक बड़ी रोटी की तरह इसे बेलने हैं। तो यहाँ पर बड़ी और थोड़ी सी लंबी रोटी की तरह बेले हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसे मोटा ही रखे हैं, तो इसी तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 1 चाकू या फिर यहाँ पर पिज्जा कटर लिए हैं और इसे काट लेंगे। तो चारों किनारों को इस तरीके से काट लेने हैं, किनारे के जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा लेंगे और दूसरी जो लोई है उसमें डालकर इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े से स्क्वायर शेप में काट लिए हैं और अब इसके बीच से इस तरह से काटेंगे और यहाँ पर एकदम मीडियम साइज में स्क्वायर शेप के पीसेस बना लेने हैं। तो जितनी बड़ी रोटी रहेगी उतने ही पीसेस निकलेंगे और उतने ही नाश्ते झटपट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 पीस निकल आए हैं और इसी तरीके से काट लेने हैं और सभी को इस तरह से निकाल लेंगे और निकाल कर एक साइड रख देंगे। 1 पीस में आलू मसाला रखेंगे 1 चम्मच, आलू मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें और आलू मसाला को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, किनारे में थोड़ा सा खाली रहने देंगे। कटोरी में पानी लेंगे और किनारे किनारे पानी को लगा लेने हैं और दूसरे पीस को इसके ऊपर रख देंगे
और थोड़ा सा हाथों से दबा कर किनारे साइड को थोड़ा सा दबा देंगे, चिपका देंगे, ताकि जब इसे फ्राई करें तो इसके अंदर तेल ना जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं और इसी तरीके से सारे पीसेस को बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए इसे थोड़ा सा दोनों किनारों को पकड़कर इस तरह से दबाएंगे तो एकदम सुंदर शेप में आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल नए तरीके हैं। तो देखिए एकदम आसानी से कितना सुंदर डिजाइन बनकर आए हैं। तो इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल। तेल जब गर्म हो जाएंगे तो एक एक पीस को डालेंगे। यहाँ पर मैं रिफाइन तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। तो कढ़ाई में जितने पीसेस आएंगे उतने को डालकर थोड़ी देर में इसे पलट देंगे। उलट पुलट करके सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे, लेकिन इसे धीमी आँच में ही बनाएं। तो धीमी आँच में बनाएंगे तो एकदम कुरकुरा बनेगा। और यहाँ पर सारे पीसेस को इसी तरीके से फ्राई करने हैं और इसी तरीके से उलट पुलट करके सुनहरा कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सुनहरा कलर हो गया है। इसे थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए इस तरह से सजा दी हूँ। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं और इसे झंझरे से निकाल लेंगे प्लेट में। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। सभी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एकदम टेस्टी कुरकुरा झटपट बनने वाला नाश्ता, वो भी गेहूं के आटे से। तो अगर रोटी खाते खाते बोर हो गए हैं तो गेहूँ के आटे से एकदम टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बना सकते हैं, जिसे देखते ही खाने को मन करेगा। और इसे बनाकर मेहमान को देंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया। एकदम आसान तरीका है इसे बनाने का। और यहाँ पर देखिए इसे तोड़कर दिखाते हैं तो एकदम कुरकुरा है। तो रोटी खाने को मन ना करे तो इस तरीके से चटपटा नाश्ता बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाकर देखें और इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएँ। रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।